वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज एफएम ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड ने आज 33 पे क्लोजिंग डे फिर से यहाँ पे 1.5049% की गिरावट देखने को मिले। ब्रैडकॉम स्टॉक के अंदर फिर से 50 पैसे की गिरावट होती हुई नजर आ चुके। तकरीबन यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक आज ओपन हुआ था तो तकरीबन गैप अप से ऊपर ओपन हुआ था, पर जैसे ही ओपन हुआ स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और प्रीवियस क्लोजिंग ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया। एंड ऑफ द डे में गिरावट देखने को मिली पर 33 लेवल पे जाके क्लोजिंग दे चुका था। तकरीबन देख सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे आज का लो जो है 32.95 का है। मार्केट कैप देखोगे तो 6.70,000 करोड़ की है। पी रेशियो देखा जाए तो अच्छा खासा है और डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे 0.91% का है। लास्ट 5 डेज की भी बात की जाए तो देख सकते कि पिछले 5 दिनों में स्टॉक के अंदर 5% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। बाकी के जो डिटेल है जैसे कि वॉल्यूम के ऊपर नजर डालेंगे तो वॉल्यूम की बात की जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 90,32,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू 3,016 लाख का ट्रेडेड वैल्यू है। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि क्वान्टिटी जो ट्रेडेड है 90 लाख, उसमें से तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि 44 लाख जो है डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, कुल मिला के 49%। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि स्टॉक के अंदर काफ़ी गिरावट होने के बाद रिसेंटली देख सकते कि मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिला है, क्योंकि देख सकते पहले बहुत सारी वॉलेटिलिटी भी रहती थी, मोमेंट भी होती थी, पर रिसेंटली वो मोमेंट कम इस मंथ में देखने को मिले। तो नीचे आता है तो 33 लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है तो स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते 32 लेवल सपोर्टिव एक्ट होगी, फिर 31 भी एक्ट हो सकती है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट बीसीजी के लिए।